और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं रामनगर का, जहां पर सीएम धामी बोल रहे हैं। आगे बढ़ाया जाएगा रामनगर रोडवेज बस टर्मिनल का भी आज शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत 28 करोड़ रुपए से भी अधिक की आने वाली है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करना है, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारे प्रतिनिधि पहुंचे, हमारे अधिकारी पहुंचे, उसको आधार बिंदु मानकर हम काम कर रहे हैं। और इस लक्ष्य विकास धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और इसके लिए लगातार काम करना, बिना रुके, बिना थके, एक दिन का भी विश्राम लिए बिना काम करना, यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए राज्य की जनता और उसका हित सर्वोपरि है। उसके आगे जो भी हम लोग फैसला लेते हैं वो हमारे प्रदेश की जनता के हित में लेते हैं, उत्तराखंड राज्य के हित में लेते हैं। हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे आज खुशी है कि आप सबके बीच में जहां इतनी सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है, वहीं आज एक उत्सव का वातावरण भी रामनगर में स्थापित हुआ है। एक उत्सव जिसको केवल रामनगर के लोग नहीं देख रहे हैं, समूचा उत्तराखंड देख रहा है और समूचा विश्व भी देख रहा है कि रामनगर में G20 की यह बैठक हो रही है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ये बैठक हो रही है G20 की बैठक, इस बैठक के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को अब एक बैठक नहीं, दो बैठक नहीं, बल्कि 3 बैठकें हमारे राज्य को प्रदान की है। 3 बैठकें होने वाली हैं। पहले के समय पहले जो शेड्यूल आया था उसमें मई और जून के महीने की 2 बैठकें आई हुई थी। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, मैंने कहा कि हमारा जो रामनगर का क्षेत्र है, जिला नैनीताल है, वह भी हमारा पंतनगर एयरपोर्ट के समीप का स्थान है, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर छोटा प्लेन 75 सीटर उपलब्ध हो जाएगा तो हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। और आप हमको बैठक दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक जिम कॉर्बेट का क्षेत्र, हमारे एक कुमाऊं मंडल का क्षेत्र और उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड का सांस्कृतिक परिवेश, ये संपूर्ण दुनिया के अंदर जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मैंने उनसे एक बार अनुरोध किया और पूरा विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया, सारी टीम आई है। दीपक रावत जी यहाँ बैठे हैं, इनको भी जो है उन्होंने संपर्क किया और पूरी यहाँ की रेकी की गई, रामनगर देखा गया, हल्द्वानी देखा गया, रुद्रपुर देखा गया, पूरे रास्ते का भी आकलन किया गया। और जब सब देखा गया तो ऊपर से आ गया कि जो भारतवर्ष की जो 5 महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं, माने कि G20 की भारत के अंदर जो 5 प्रमुख बैठकें होने वाली हैं, दिनेश मानसेरा जी वहां पर बैठे हैं, दिनेश भाई ये 5 बैठकों में से एक बैठक है, जो प्रमुख 5 बैठकें देश के अंदर होने वाली हैं, तो वो हमको मिल गई। और उससे अच्छी बड़ी बात है कि आप सब लोगों का भी धन्यवाद मैं करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, कल मैं देख रहा था जैसे लग रहा था कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो, और उत्सव किसी एक व्यक्ति का नहीं, सरकार का नहीं, एक जिले का नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रदेश का, पंतनगर से लेकर यहाँ रामनगर पहुंचने तक लोग सड़कों पर खड़े थे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे जिला प्रशासन को, हमारे यहाँ के आयुक्त साहब को, हमारे IG को, जिलाधिकारी को, पुलिस के अधीक्षक साहब को और पूरी टीम को, प्रशासन के लोगों को, कि 1 महीने से भी कल का कम का समय मिला हमको और 1 महीने से भी कम के समय में इतनी शानदार तैयारी कर दी जो मैं चाहता था। जब मैंने पहली बैठक ली थी तो मैंने यही इनसे कहा था कि ये बैठक ऐसी बैठक होनी चाहिए कि इसके बाद जितनी बैठकें भारतवर्ष के अंदर हो रही हैं, सारे लोग कहें कि रामनगर की बैठक सबसे अच्छी हुई। और आज मुझे बताया इन्होंने कि
जितने भी प्रतिनिधि थे हमारे मुख्य सचिव आज वेलकम स्पीच उन्होंने यहाँ पर करी थी, तो सारे प्रतिनिधि आप सबके आतिथ्य भाव से गदगद थे। और वो इतना ही नहीं, जब यहाँ से जाएंगे तो वो केवल एक प्रतिनिधि के नाते, एक डेलीगेट्स के नाते वापस नहीं जाएंगे, जब वो यहाँ से जाएंगे तो रामनगर के, जिम कॉर्बेट के और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया में काम करेंगे और उत्तराखंड को बताएंगे। भाइयों बहनों, आज अनेकों जो योजनाएं, अनेकों प्रकार के जो हम अब फैसले ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, केवल फैसले ही नहीं ले रहे हैं बल्कि इनको धरातल पर उतार भी रहे हैं, इस बात का सबूत रिकॉर्ड समय में हमारे द्वारा किए गए विभिन्न विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी है। कई बार योजनाएं शुरू तो हो जाती हैं, योजनाओं के शिलान्यास तो हो जाते हैं लेकिन योजनाओं के लोकार्पण नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी उन सभी योजनाओं को हम पूरा करेंगे, उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। हमारी नीति और नियत दोनों उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की है, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले दिनों अभी जिसके बारे में यहाँ से आदरणीय दीवान सिंह दीवानदा ने भी और हमारे प्रताप बिष्ट जी ने भी उल्लेख किया कि परीक्षाओं में धांधली, ये परीक्षाओं में धांधली एकदम से अचानक से आई और बहुत सारे लोगों को लगने लगा। मैं एक बार दिल्ली गया तो दिल्ली में तमाम सारे मीडिया के मित्र मिल गए और उन्होंने मुझे घेर लिया, एकदम से बोले कि अरे रुकिए रुकिए रुकिए, बताइए आपकी उत्तराखंड में ये अचानक घपले घोटाले कहां से होने लग गए, इतने घपले निकल रहे हैं, इतने घोटाले निकल रहे हैं, जैसे उनको लग रहा था कि ये घपले घोटाले अभी हुए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा अवसर मुझे मिल गया है और मैं समझ गया एक मिनट में कि पूरे भारतवर्ष के अंदर और ये बात जा रही है कि ये अभी और ये भारतीय जनता पार्टी के समय में या पुष्कर सिंह धामी के कालखंड में ये घपले घोटाले तो नहीं होने लग गए इतने सारे। तो मैंने कहा आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा मंच प्रदान कर दिया है, मैं बताता हूं आपको कि ये घपले घोटाले आज के नहीं है, ये घपले घोटाले 2014-15 से लगातार हो रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर बार इनकी शिकायत होती थी, हर बार गड़बड़ियों की बात आती थी लेकिन जांच नहीं होती थी, जांच नहीं होती थी, हर बार बात उठती थी फिर बात खत्म हो जाती थी। भाइयों बहनों, में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी माताओं बहनों से, जिनका आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहा है, माताओं बहनों के लिए इसीलिए हमने अनेकों योजनाओं को भी प्रावधानित किया गया है। लगातार हम सोच रहे हैं कि हमारी माताओं बहनों का जीवन आगे बढ़े। मैं उनसे भी विनम्र होकर कहना चाहता हूं क्योंकि उनके बेटे बेटियों का ये भविष्य का प्रश्न है। तो हमने कहा कि इस बार भी शिकायत आई है, शिकायत आई हमने उसकी जांच लिख दी और जांच जब करवाई तो उसमें गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां सामने आने लगी, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था। हमने तय किया कि एक भी आरोपी होगा, चाहे छोटा होगा, चाहे बड़ा होगा, चाहे कितनी भी बड़ी पहुंच वाला होगा, अब हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमने कार्रवाई करी, 90 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इतना ही नहीं, हम कार्रवाई भी कर रहे थे लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई चल रही थी, उनकी कार्रवाई भी चल रही थी। हमने कहा इसके लिए तो अब ऐसा करना पड़ेगा कि ये हमेशा हमेशा के लिए ये नासूर समाप्त हो जाए और इसकी सर्जरी हो जाए पूरी तरह से। इसलिए हम बहुत मंथन करने के बाद भारतवर्ष का सबसे कड़ा कानून नकल अध्यादेश के रूप में लेकर आए, नकल अधिनियम के रूप में लेकर आए, जिसमें जहां उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है और जो परोक्ष हो या प्रत्यक्ष रूप से जो करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी होगी, लेकिन जो परोक्ष रूप से भी इस गलत काम में, इस अपराध में संलिप्त होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो बच्चे ऐसे काम में संलिप्त होंगे उनको पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल का डीबार होगा, नहीं 3 साल तक किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे,